और आज मुझे बस मेल आ गई कि आपका ऑर्डर आ गया, सो यू मे पिक। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग वेल। राइट नाउ आई एम इन सिटी सेंटर एंड आई एम हेडिंग टुवर्ड्स कोलमोर बस स्टॉप। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर बाद। सो इट्स बीन 2.5 मंथ्स आई केम टू द यूके और बैक इन पाकिस्तान आई यूज टू मेक व्लॉग्स एंड कॉन्टेंट ऑन कैनन 80D। देन आई स्विच टू सोनी A7 III और बट जब मैं पाकिस्तान यूके आ रहा था तो मैं अपना इक्विपमेंट नहीं ला सका बिकॉज ऑब्वियसली आई वॉज अ स्टूडेंट और एक स्टूडेंट पे ऑलरेडी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काफ़ी ना, कि जब आप एक नई जगह जा रहे होते हो यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बर्डन होता है, हर चीज़ पहली बार आपको वो करना होता है एक्सपीरियंस, तो उसका आप पे होता है बर्डन होता है। सो इसलिए आई चोज नॉट टू ब्रिंग माई इक्विपमेंट विद माई सेल्फ। और सेकेंड उसकी वजह ये भी थी क्योंकि द इक्विपमेंट विच आई हैड इन पाकिस्तान वो मेरा बिजनेस इक्विपमेंट है, सो मैं इस तरह ला नहीं सकता था अपने पास। और तब तो बिल्कुल नहीं, जब आपको पता ना हो कि यहाँ पर क्या आप यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते। बट तो मैं जब यहाँ पर आया, जब मैंने देखा कि यार सही है, आप कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हो, सो नाउ आई फाइनली डिसाइडेड टू गेट अ कैमरा फॉर माई सेल्फ। और आज मुझे बस मेल आ गई कि आपका ऑर्डर आ गया, सो यू मे पिक। सो नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स शॉप और ये बस आ गई है मेरी, अभी मैं जा रहा हूँ अपना ऑर्डर पिक करने। आई विल टेक यू गाइस अलोंग एज वेल, सो या स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। सो मैं आ गया हूँ, आई थिंक वीडियो अलाउड नहीं है बट विल ट्राई टू मेक। हेलो, हाय, हाउ आर यू? So I'm here to pick my order. Zach. Yeah. Exactly. So you would recommend similar to that. Exactly. You happy with that? Yeah. Okay. Yeah. No, no, no. So guys, अभी मैंने ले लिया और अभी मैं घर जा रहा हूँ। I bought the Gorilla Pod as well. घर जाके इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे, मैंने पहले कभी की नहीं है, इस बार करेंगे, कोशिश करेंगे, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। शाम हो गई है, आई एम गेटिंग लेट। ओके, सो मैं फिर घर आ गया और फ़ोन बिल्कुल डेड था, तो मैंने फ़ोन पहले चार्ज पे लगाया क्योंकि किसी भी वीडियो बनेगी। सो अभी विदाउट एनी फर्दर एड्यू अभी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। फर्स्ट शो, लेट मी शो यू द बैग, ये है, और अभी इसके अंदर अब हम देखेंगे कि क्या क्या है। फर्स्ट गोरिल्ला पॉड और उसके अलावा मेमोरी कार्ड, लेंस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैमरा। मैंने आज से पहले कभी एक गोरिल्ला पॉड नहीं यूज़ किया। लाइक मैं यूज्ड टू हूँ हैंड हेल्ड इसी तरह कैमरा पकड़ने में, सो ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा। और मज़े की बात यह, जब मैं कैमरा शॉप से निकल आया और सिटी सेंटर वापस आ गया तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने तो ये लिया ही नहीं कार्ड। तो फिर आई वॉज लाइक अच्छा अब क्या वापस जाऊँ या नहीं, क्योंकि उस टाइम मुझे सराउंड में कोई जगह नहीं मिल रही थी जहाँ पर इस तरह की एसेसरीज हों। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर यहाँ से ही मैंने मोबाइल शॉप से ये £10 का, ये मैंने 32 GB सैंडिस्क का कार्ड लिया। खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट हम भी अनबॉक्सिंग करते हैं। या ओके, वन ईयर वारंटी कार्ड और सम मैनुअल्स। सॉरी वीडियो पॉज हो गई थी, स्टोरेज इशू, दैट्स व्हाई आई बॉट द कैमरा। सो मैनुअल, उसके बाद आ जाती है चार्जिंग केबल विथ स्विच और एडाप्टर
केबल, बैटरी। अच्छा ये मेरे ख्याल से साथ एक और भी दिया हुआ है, ये वाला चार्जिंग केबल, विंड स्क्रीन माइक के लिए ये ऊपर लगाएंगे, और स्ट्रैप फॉर सेफ्टी पर्पस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसको हम साइड पर रखते हैं। तो ये है भाई बैटरी, सॉरी ये है बॉडी। एक्साइटमेंट चेक करो मेरी। ये बॉडी है, और इट्स गुड, कॉम्पैक्ट है और काफ़ी लाइट वेट है, तो इसको अभी हम इधर रखेंगे। अभी दूसरी बारी है इसकी लेंस। अच्छा लेंस मैंने लिया है, मैं इंटरेस्टेड था सिग्मा 16mm 1.4 में, बट स्टिल सिंस वो थोड़ा सा क्लोज है, और अगर आप एक्टिव स्टेबलाइजेशन ऑन करो ना तो वो फिर उसमें क्रॉप हो जाता है। इनफैक्ट मेरा फ्यूचर में गिम्बल लेने का प्लान भी है, बट अगेन वो फ्यूचर है फॉर नाउ। सो जब गिम्बल लूँगा तो फिर मैं 16mm ले लूँगा, बिकॉज दैट इज़ माई डिज़ायर्ड लेंस, बट फॉर नाउ मैंने सोनी का 11mm लेंस लिया है f1.8, विच इज़ रियली गुड। और अभी हम इसको ओपन करते हैं। अच्छा होड है इसका, ये लेंस, सो इट्स एज यू कैन सी इट्स वेरी कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट लेंस, स्पेशली मेड फॉर व्लॉगिंग, तो अच्छा है ये भी। और ये इसकी मेरे ख्याल से हाँ ये इसकी वारंटी है, 1 ईयर वारंटी। और अभी बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको हम लगाते हैं। बाय द वे ये मिररलेस कैमराज जो भी यूज़ करते हैं ना यार, इसके सेंसर का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि मिरर नहीं होता बीच में, ठीक है। तो जब भी आप इसको में लेंस चेंज करो तो आप इसको ये इस तरह इसको नीचे रखो, और जब ये ओपन करना हो आपने लेंस को, इस तरह आप ओपन करो और इसको इस तरह नीचे रखो, दैट्स हाउ इट इज़ यू नो। ये अब इसमें हम बैटरी डालते हैं, मेमोरी कार्ड डालते हैं, ओके। सो लेट्स सी द बेस्ट पार्ट, तब हम इसको यहाँ से ऑन कर लेंगे। अच्छा ये क्या मांग रहा है, लैंग्वेज, तो हम इसकी लैंग्वेज सेट करते हैं इंग्लिश, सेट एरिया डेट टाइम इंटर। अभी जो कि हमने आज तक यूज़ नहीं किया वो हम ओपन करेंगे, विच इज गोरिल्ला पॉट। तो ये लगाने से पहले मैं इसमें ये विंडस्क्रीन ये ऐड करना चाहूँगा, लगाता हूँ इसमें। अब लेट मी चेक ये किस तरह लगता है, ये सरा लगता होगा, हाँ बिल्कुल ये, वाह इट्स क्यूट दो। अच्छा ये इस पर लग गया, अभी हम इस पर यह लगा लेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट इसको अंदर करना, दैट्स हाउ इट इज, सी इट्स गुड। अच्छा इस कैमरे की जो अच्छी बात है वो ये है कि मेटल की बॉडी नहीं है कंप्लीट, और काफ़ी लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट है। अभी हम इसको इंडोर में ना अभी मैं यहाँ पर लगाऊंगा, और बाकी जो शॉर्ट्स होंगे बात होगी वीडियो पे, वो इस पर हम रिकॉर्ड करेंगे वीडियो। सो फिर आप बताइएगा मुझे कमेंट्स पे कि जो डिफरेंस है इज़ इट वर्थ इट और नॉट, और या सो गाइस जो आप ये वीडियो देख रहे हैं सोनी ZV-E10 की है, और ये जो आप देख रहे हैं ये मेरे फ़ोन से रिकॉर्ड हो रही है, और आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं। और सिंस मेरे रूम में काफ़ी इको है तो मैंने उसके लिए अपना कंडेंसर माइक रॉड का लगाया हुआ है लैपटॉप के साथ, तो उस पर रिकॉर्ड होती है। लेकिन इस टाइम जो मैं कैमरे पे जो रिकॉर्ड हो रही है मेरी ऑडियो वो बिल्ट इन है,
वो एक्सटर्नल माइक के साथ नहीं है। इसका जो एक्सटर्नल माइक है वो शॉटगन माइक वो मैंने लेना था, बट जो डिज़ायर माइक था मेरा जो मुझे लेना था वो वहाँ पर उनके पास अवेलेबल नहीं था, स्टॉक में नहीं था। सो इसलिए जो इसका जो बिल्ट इन माइक है इसके ऊपर विंडस्क्रीन लगी हुई है वो लगी हुई है, तो अब हम चेक करेंगे कि इसकी क्वालिटी कैसी है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें अगर आप देखें इसका जो फोकस आप देख लें काफ़ी फास्ट है। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये अभी आप इसमें इसका जूम भी है, ये देखें इसका स्मूथ जूम, और तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका। यूजुअली ये तो इतना काम नहीं आता, लेकिन स्टिल इफ़ यू आर मेकिंग सम कंटेंट लाइक कोई शॉर्ट फिल्म या ड्रामेटिक सीन है कोई अगर आप बना रहे हो उस पर तो तब ये यूज़फुल है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप को मैं बताऊं कि मेरे पास जब मैंने कैमरा लेना था तो मेरे पास जो ऑप्शंस थी जो मेरे प्लेट में थी आगे वो था सबसे पहले DJI Osmo Pocket 2 क्रिएटर कॉम्बो जिसमें माइक्रोफोन भी है और बाकी एक्सेसरीज भी होती हैं वो था। सेकेंडली मेरे जो उसमें था वो GoPro Hero 11, उसके बाद सोनी A6400, देन सोनी A7 III, देन कहीं पे कॉर्नर पे था सोनी ZV-E10। उसकी रीज़न ये थी कि यार एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मैंने सोनी के जो A7 III वो मैं यूज़ कर चुका हूँ ऑलरेडी, वो मेरे पास है पाकिस्तान में, तो इसलिए मुझे वही कैमरा यहाँ चाहिए था। बट स्टिल वो एक प्रोफेशनल है देन, ठीक है, वो फुल फ्रेम कैमरा है और वो नहीं था अवेलेबल यहाँ पे। तो फिर जो मेरे पास दूसरी ऑप्शन थी वो A6400 की थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी अवेलेबल नहीं था। सो मेरे पास जो ऑप्शन रह गई वो सोनी ZV-E10 की थी, DJI Osmo Pocket 2 क्रिएटर कॉम्बो की थी और GoPro Hero 11 या Hero 10 जो भी उनकी थी। सो मैंने ये लिया, उसकी रीज़न ये है कि इंस्टेड ऑफ अदर टू, उसकी रीज़न ये है क्योंकि अगर मैं GoPro या Osmo लेता तो उसमें लेंस चेंज नहीं हो सकता, उनका एक स्टिल लेंस है स्टैंडर्ड, तो आप लिमिटेड हो जाते हो। इसमें यह है कि इसमें आप जो है ना, अभी मैंने 11mm लगाया, फिर मैं कोई भी ए माउंट का लेंस लगा सकता हूँ, 24-70 लगा सकता हूँ, 16mm लगा सकता हूँ, कोई भी लगा सकता हूँ। और तो दैट्स व्हाई मैंने इस पर्पस के लिए लिया कि अगर आपने अगर सिर्फ व्लॉगिंग नहीं करनी, अगर आपने पोर्ट्रेट्स लेनी है तो आप इस पर 85mm लगा लें, आप 50mm लगा लें और यू नो इट विल गिव यू द बेस्ट क्वालिटी। सो दैट्स व्हाई आई चोज दिस कैमरा। अपार्ट फ्रॉम दैट यार देखो, अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो आप गूगल पे खुद सर्च कर सकते हो। हाँ, जो मेरा मकसद है वो ये पूरा कर रहा है, 4K में ये रिकॉर्ड करता है और ऑटो फोकस इसका बेहतरीन है और व्लॉगिंग में बहुत मैटर करता है। ऑडियो क्वालिटी भी मुझे इसकी अच्छी लग रही है, लाइक ऑब्वियसली ये एक्सटर्नल माइक के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकेंगे, लेकिन स्टिल मुझे काफ़ी बेहतर लग रही है इसकी ऑडियो क्वालिटी। और अपार्ट फ्रॉम दैट फ्लिप स्क्रीन है इसकी, जो बहुत बड़ा एडवांटेज है व्लॉगर्स के लिए, क्योंकि जो व्लॉगर्स होते हैं लाइक व्हेन आई यूज्ड टू व्लॉग या व्हेन आई व्लॉग, तो मैं अगर अपने आप को ना भी देखूँ तो इट्स फाइन क्योंकि आपको आदत हो जाती है, आप यूज्ड हो जाते हो। लेकिन जो बहुत से लोग होते हैं जिनको देखना होता है कि अच्छा यार ये उनका एंगल सही आ रहा है, वो सही पोजीशन में खड़े हैं, रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही, सही है, वो फोकस है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो ना काफ़ी मैटर करती है। तो इसलिए फ्लिप स्क्रीन इन्होंने रखा है इसमें इंडोर की, ये क्वालिटी दिखा रहे हैं। अभी इस पर मैंने कोई सेटिंग्स नहीं की, ये जब जस्ट मैंने इसको ऑन की रिकॉर्डिंग पे लगा दिया सेट करके, मैंने इसकी कोई कंट्रास्ट, कोई मैंने फ्रेम रेट्स तक नहीं चेक किए और मैंने कोई इसके ISO नहीं देखा। ऑटो पे है ये एंड 50 फ्रेम पर सेकेंड पे राइट नाउ ये, और इंडोर की इसकी क्वालिटी है बड़ी, कोई मिनिमम सी लाइट है, काफ़ी जो है ना नॉर्मल सी लाइट है, ये भी नहीं काफ़ी लाइट है। सो ऐसी लाइट है भी इसकी ये क्वालिटी है और इंडोर में ऐसा ये शो कर रहा है। आउटडोर में भी इंशाल्लाह हम जाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे, तो यू विल सी द रिजल्ट्स। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इफ देयर इज़ एनी क्वायरी रिगार्डिंग यू नो स्टूडेंट अफेयर्स और एनीथिंग रिगार्डिंग UK और जो भी कुछ है, सो फील फ्री एंड कमेंट डाउन बिलो। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ एंड देन आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।
songs wrong, put my fucking tune and forget it.